अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ लाइट के साथ मैं फरहान मिर्ज़ा। नाज़रीन, गुजरात क्रिसमस के हवाले से चर्च की आज जो तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है, इस सिलसिला में ज़िली भर की जो इंतज़ामिया उन्होंने एक बाकायदा तौर पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमराज के ज़रिए निगरानी की जा रही है और तमाम तर जो अब तक की सूरत हाल है वो मज़ीद भी जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी क्रिसमस जो एसोसिएशन के भी एहसान संधु साहब, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इंतज़ामिया के क्या इस सिलसिला में उन्होंने इंतजाम किए हैं और कितनी नफरी तैनात है और जो चर्च तकरीब जारी है वो उस हवाले से भी बताइएगा। जी सामने, थैंक यू जनाब। मैं तमाम आज के दिन अपनी दुनिया भर के तमाम सिख कम्युनिटी को, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर तमाम मजहब के लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने आज हमारे मौकफ को पाकिस्तान के हुक्मरानों और पंजाब के हुक्मरानों तक पहुँचाने में जो अपना किरदार अदा करता है। और मैं समझता हूँ आज क्रिसमस के मौका पर हमारे ज़िले के फोर्स के कमांडर जनाब DPO उमर सलामत काब साहब को मैं हराज तस्सीम पेश करता हूँ। एक यादगार बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम उन्होंने रेंज किए और फर्दर वो खुद जो है ड्यूटी की निगरानी कर रहे हैं। हम बड़े ज़्यादाना तरीके से अपनी मजहबी जो रसूमात है पिछले 1 दिसंबर से लेकर आज 25 दिसंबर तक हम अपनी अदा कर रहे हैं। DSP साहब CT जो है बड़ा अच्छा उनका रोल करदार है और हमारे SHO थाना 8 डिवीज़न, SHO थाना लारी अड्डा, SHO थाना शहीन चौक और थाना सिविल लाइन के SHO जबान बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए हैं। मैं समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब का, DPO साहब का और DSP CT जनाब परवेज गोंदल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जाए उनके ऊपर फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि हमारे जो मसीही भाई हैं वो एक पूरे सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर अपने जो त्यौहार को और अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें। हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं और मैं भी पूरे ज़िले का चक्कर लगा के आया हूँ तो हर जगह के ऊपर हमने सिक्योरिटी के सफिशेंट अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। हमारी QRF टीम जो है वो गश्त के ऊपर है, नाके लगे हुए हैं। फिर हमने तमाम जो चर्च हैं जितने भी हमारे कोई 80 के करीब जो रात के और आज दिन के प्रोग्राम से उनको हमने जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। तमाम सीनियर अफसरान IG साहब के हुक्म के ऊपर वो खुद मौजूद हैं, चेक कर रहे हैं तमाम चीज़ों को और इंशाल्लाह ताला हम एक पूरा जो है वो सिक्योर इन्वायरमेंट हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास इधर सिटी सर्कल में 19 प्रोग्राम चल रहे हैं जो होने हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, तो हम हर एक पे जा रहे हैं और हर एक की सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। मेरे पास ये हमारे भाई हैं यहाँ पे एहसान संधु साहब जो इस चर्च के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं, इनको इनसे आप बात भी कर सकते हैं। साथ मेरे इधर सिक्योरिटी इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट के जो DPO साहब के नुमाइंदे हैं और उन्होंने तमाम ज़िला से वो इन्फॉर्मेशन लेके DPO साहब को दे रहे हैं। DPO साहब खुद भी आउट हैं, वो सिटी एरिया में जो है वो चेक कर रहे हैं, बाकी रूरल एरिया में भी चेक कर रहे हैं, तहसीलों में भी चेक कर रहे हैं जहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें कतन किसी सूरत भी हम जो है ना किसी साइड से भी वो कमी नहीं आने देंगे। हम इनकी शाना बशाना है और ये हमारे भाई हैं, मैं कह रहा हूँ, और इनको कमी नहीं आने देंगे। जहाँ पे भी ये महसूस करेंगे हम इनके बिल्कुल एक सेकंड में इनके पास होंगे।